Why is it? This is perfect, Barbie. अच्छा कलर? नहीं क्या हुआ? पूरा 1000 रुपए का पेंट यूज करेगा ये. Hi, what's up, guys? Welcome back to my channel. Welcome back to another video. आपने टाइटल पढ़ लिया होगा एंड यू नो इट्स फाइनली टाइम टू ट्रांसफॉर्म सारा'स बेडरूम. ये सारा स्कॉट स्टूडियो का एक रूम है जिसका मुहूर्त आ ही नहीं रहा था भाई ट्रांसफॉर्म होने का. दिस रूम हैज बीन लाइक दिस ओनली खिचड़ पिचड़ जस्ट अ बिग फैट मेस सिंस द टाइम वीव एक्चुअली मूव्ड हियर. इट्स बीन ओवर 7 months दैट आई एम स्टेइंग इन दिस हाउस एंड समहाउ आई नेवर पेड अटेंशन टू माई बेडरूम बिकॉज इट्स द रूम दैट आई जस्ट रिटायर इन. आई एब्सोल्यूटली गेट नो टाइम इन माई डे और लाइफ टू spend a lot of time in my bedroom. I come here dead tired and go to sleep and that was the idea of my bedroom. But finally I want to give it a makeover and I want to add something of my personality, some color, some life to this room. Just declutter a little bit, shelf it up properly, you know, everything should have its own place and space and do it up. Jitna rent ke ghar mein I can do utna mujhe karne ka man hai. I now finally want to invest some money into it. So whatever we do, we are going to do it on a budget because you never know, rent ke ghar se कभी दिल किक यू आउट एंड यू विल नॉट हैव टू स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड आई एम सुपर इंस्पायर्ड टू डू दिस मेकओवर विद द एंटायर बार्बी सीजन दैट इज अपॉन अस. ग्रीन वाज द कलर ऑफ द सीजन लास्ट सीजन बेबी, बट दिस सीजन द कलर इज बार्बी. 5th, 6th, 10th तक मैं आराम से अपनी बार्बीज के साथ खेलती थी एंड दैट्स व्हाई आई थॉट इट्स अ नाइस ट्विस्ट टू एड टू माई रूम, बट मेक इट लाइक एन अडल्ट बार्बी, नॉट वेरी लाइक लाउड इन योर फेस kids bedroom. वो तो नहीं करना, it's my bedroom so it will have my classy touch to it, but add like those pink elements, pink colors and mute it down or make it loud in some sort of way. मैंने अपने नाखून भी चेंज करा दिए guys. It is in the Barbie season and we are in the Barbie element. Finally time to change these पुराने पर्दे. The pardas are actually motivating me to change the room because I hate these pardas. Yeah, IKEA के पर्दे एक बार धुलने के बाद ही खराब हो गए. Never suggesting you to buy any curtains from IKEA. पर्दे का ऑर्डर मैंने ऑलरेडी दे दिया है और IKEA पे भी मैंने एक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दिया. छोटी मोटी चीजें जो मुझे चाहिए वो भी मैंने मंगा लिए, वो फ्राइडे तक आ जाएगी. तो अभी हम जाते हैं और पेंट सिलेक्ट करके आते हैं, बट उससे पहले आप पर्दे का सिलेक्शन देख लो. फ्लैशबैक पिंक वेलवेट लेके आया. हाँ, मुझे फ्लोर टू सीलिंग ही चाहिए. बट बाय बेबी. आप पहले वो रूम का मार्क कर लीजिए कितना लगेगा. फुल चाहिए आपको? फुल चाहिए. ये मैं सोच रही थी अगर बीच में डाल के यूज कर सकते, जैसे शियोज हॉल में लिए है ना वैसा. इसमें अपने को खाली वही करना पड़ेगा, खाली ऊपर पाइपिंग डालनी है. दिस इज परफेक्ट बार्बी. हाय बार्बी. ये तमन्ना जिस दिन मिले, मैं वैसे भी जब सोती नहीं थी क्योंकि ठंडी लगती. तो मैं सोती नहीं. So this is more like a cranberry, yeah. Like this is red. Red toned. Barbie के लिए मैं आपको बताऊँ. सबसे सस्ता velvet कौन सा? Because मुझे एकदम महंगा काम नहीं करना. बोर हो जाएंगे हम, फिर बदलेंगे पर्दे ऐसा. कितना मीटर लगेगा अपने को? पूरा बनाओगे तो 10 मीटर जाएगा. 600 रुपीज मीटर मतलब 6000. 6000 हो जाएगा सिलाई. 1000 का 7000 में डिस्काउंट हो जाएगा. दिस इज साक्षी. आई फील जो दीक्षी के हाथ में है वो बेटर है. वी कांट डू बेबी पिंक पर्दा ना, गंदा हो जाएगा. सी फुल डे इज ड्रॉन अपार्ट. वी कैन पुट लाइक दोस टैसली लाइक बो लाइक डिटेल्स टू लाइक टाई. कैसे उस क्लॉथ में नहीं आता है? मेरे को पूरा बंद होना ही चाहिए क्योंकि मैं चेंज वगैरह करती हूँ, तो मेरे को एकदम ओपेक चाहिए और अंधेरा भी लगता है रात को. ये खाली शो के लिए कि दिन के टाइम पे मैं ये खींचू और रात के टाइम पे मैं वो खींचू, समझे? मतलब अगर 10 फीट बोल रहे हो तो 10 फीट लेना ही पड़ेगा. इतना हाँ उधर 10 फीट ले. हाँ, वो 6.5 फीट 6.5 फीट है, मतलब 4 पीस तो लगेगा इधर से उधर ही लगने वाला है. कम करोगे तो फिर उसका मतलब ही नहीं. नेक्स्ट बेडरूम आलो ये लो. वाइट करना है नेक्स्ट. हो गया अभी. चुप कर तू. वाइट मेरी मैयत में आना. वाइट बेडरूम. दिस इज अ वेरी नाइस शेड. दिस इज पेंट वी नॉट येट सिलेक्टेड सो वी स्टिल हैव रूम टू प्ले.
ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी है. दस से थोड़ा कम भी मीटर लेंगे चलेगा, बट हाइट पूरी ले रहे. हाइट 82 है, 4 पीस लगेगे उससे कम करो. अच्छा अच्छा, नहीं मेरे को फुल नहीं चलेगा क्योंकि द कवर्ड इज आल्सो कमिंग देयर. वही मैं बोली ना, वो हाफ है अभी वाला जो आपका कॉटन है ना, इतनी नीचे का दिख रहा है. ऐसा बनाने में अपने को कैसा बनाना है, जैसे आपको अंदर बना वैसे बनाना है. हाँ, थोड़ा जैसे ये 2 पीस लगे ना, वो 4 पीस लगे. बिकॉज उसमें ना आपका होल्डिंग भी है और वो वैसे प्रॉपर, सो दैट गैदर्स बेटर. ऐसे में आपको 3 पीस करोगे ना तो थोड़ा गैदरिंग नजदीक आ जाएगा आपको. ये 2 पीस करेंगे और बीच में वो सफेद कर देंगे ना, बस हुआ. हाफ ही कवर होगा इसका, इसका हाफ यूज होता है मेटल. अच्छा, गॉट इट. इसके लिए तो ज्यादा डिफरेंस ऑफ हाइट से बहुत ज्यादा. इसको एक खाली पट्टा लगा दो, एक ही पीस रखो लीड साइड में. लाइट ही बदलनी पड़ेगी रूम. एंड अ फ्लैशबैक. We're taking 2 colors guys, we are doing good on a wall na. Yeah, it will be 2 white walls. Ye in mein to kuch bhi nahi. Unko wala color poochte hai na, in wo jo aapne use kiya. See this color, azalea. Do we want the color of my nails? Ye meri purani deewar thi. Barbie pink is this in their language, but it's so dusty. But then this would be just too mature, like no Barbie. Ballet slippers, ye bhi acha hai. Wild pink bhi acha hai. Mujhe ye palette zyada acha lag raha hai. This. ये दोनों बहुत क्लोज हो जाएंगे फिर. हाँ. तेरा वो लाइट डार्क नहीं आएगा. क्लाइंबिंग रोज आई थिंक लॉक करते हैं एक लाइट में. क्लाइंबिंग रोज का 2 कोट चढ़ेगा. ये 2 कोट वाला कलर नहीं होता है ना, 2 कोट वाला नहीं होता. अगर फिर आपको 2 कलर पैलेट्स रखने ना, तो फिर वो विद कॉटन का कलर या कॉटन का. इट्स नॉट एग्जैक्ट कॉटन का कलर ऐसा है, बट थोड़ा वेलवेट तो चेंजेस कलर. आई थिंक वी कैन टेक दिस बिहाइंड द बेड एंड टेक अ डार्क कलर. फुशिया फीवर, फुशिया फीवर. इट्स टाइम टू फुशिया फीवर. सी पेटल इज ऑलमोस्ट माय नेल कलर. ओके देन, दिस इज द वन एंड ओनली प्रॉपर भाभी कलर. इट्स लिटरली द कलर ऑफ माई नेल्स. एक बार दीवार पे चढ़ गया. सो वी आर गोइंग फॉर दिस एंड देन वी आर गोना प्ले अराउंड विद इट. भैया कुछ डिस्काउंट तो दो, 1790 का बिल काट दिया आपने. ये डिस्काउंटेड है क्या? डिस्काउंट है इसमें. A little later. So the plan of action is कि हम इधर एक आर्च पेंट करेंगे. हमने सेम एक ही कलर खरीदा है पिंक का, इसको पूरा ही एक पिंक कर देते हैं. डिसीशन मेकिंग टाइम. पेंटर इज ऑलरेडी हियर, ही इज डाउन. बेडरूम में इतनी हवा आती है ना. आ गए पेंटर अंकल. एंड बाय द वे गाइस, वी आर गेटिंग इट डन बाय अ पेंटर अंकल एंड नॉट डूइंग इट आवरसेल्फ्स. मेरा बहुत मन था, बट इफ यू हैव कॉट अप ऑन माय इंस्टाग्राम स्टोरीज यू नो आई हैड अ जिम एक्सीडेंट और मैंने बहुत बुरी तरीके से अपना बैक इंजर किया है. सो आई एम नॉट केपेबल ऑफ स्क्वाटिंग और बेंडिंग. आई एम हैविंग पेन इवन व्हाइल टॉकिंग एंड ब्रीदिंग. सो वी आर नॉट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट्स एंड गेटिंग इट डन बाय अ प्रोफेशनल पेंटर. आई वुड हैव लव टू पेंट इट माय सेल्फ, बट हम काफी डीआईवाईज करने वाले फॉर एलिमेंट्स दैट वी आर गोना ऐड इन द रूम. आर्च इज श्योर, राइट? वी आर श्योर ऑफ द आर्च. Because the TV would fit so perfectly. And we are taking the light into the arch ke bahar, no? Outside. क्योंकि आपकी वो वाली लाइट है ना? नहीं, वो वाली नहीं, ऐसी वाली लाइट मंगाई हूँ मैंने. हाँ, तो भी इन मत लो. नहीं भैया, आप आ जाओ. तो ये दीवार को ना भैया पूरा पिंक करना है. हाँ, तो ये ऊपर भी लेना है लाइट को संभाल के. This is
बार ठीक है, अच्छा नहीं लगा तो घर चेंज चाहिए ना, अभी ये कर लेंगे ना, गोला ही आएगा ना सीधा। अरे बट लाइन लगी ही सीधी नहीं है दीवार के कंपैरिजन में, पूरी टेढ़ी है। आपने ऐसे किया, ऐसे नहीं होगा, इसको ऐसे कर्व करो, वो राउंड हो जाएगा, राउंड ऐसे घुमा। हाँ मैच लेटर। ओ वाओ पिंक यू बे, या बारबी ट्रांसफॉर्मिंग में वेरी नाइस, लुकिंग गुड, बेटर देन बिफोर। बिफोर क्या था, सिर्फ व्हाइट पेंट ना, तो अभी भी एडिंग फुल ऑल द वॉल्स यू डू। नो नो, वी आर डूइंग एन आर्च, वो करने वाला था, उसकी सीधी लाइन नहीं आती, कल राजकुमार आएगा मार्किंग करके देगा और फिर वो पेंट करेगा। लेटर दैट नाइट मिरर हैज ऑलवेज बीन देयर, दिस वाज ग्रीन ना, it was green na, rehwa de tu to kab, why do you have pencil marking there, usko acha lagta hai dono to deewar hai to flying hai par tune pure barbie ke liye pink karaya purne ma itne barbie ke liye pink karaya kya kya usko bhi nahi maan ha matlab main kabhi maine nahi dekha main kabhi are to green tha na, white tha, my bedroom was never made guys, kyun tu karna hai yaar sare हेट कमेंट्स, सारा स्क्वाड अच्छा लग रहा है, सारा स्क्वाड हो गई। अरे उधर भी हम पिंक करेंगे आज ही सुबह सुबह, मैंने तेरा टीवी देखा, टीवी वाज देयर, यू मस्ट हैव नॉट यूज्ड इट और नोटिस्ड इट बिकॉज़ वी डोंट चिल इन द बेडरूम। या पूर्णिमा देख, इट्स नाइस, इट हैज अ गुड टिंट, उधर से अंडरवेयर कैसा लगता है, ये ना बस पूरा पिंक दिखता है इसमें, है ना। The next day. We're doing a second coat on this because मैंने notice किया थोड़े थोड़े white patches दिख रहे थे, तो I was like why compromise, anyways we are getting it done, so get it done properly only. This arch looks so good now that you enter the room. I was a little like iffy के pastel pink or fuchsia pink, we were gonna go for a darker color, but I'm really glad we went for this because the black TV is gonna look solid. वो light fixture का देखना पड़ेगा, I've ordered one on IKEA, but let's see which light comes in that. Online order करो, then you don't know ना if it's warm or if it's white, and I didn't check actually properly. I think I want a golden fixture like this, but a smaller light. So let me see. 1 hour later, we are gonna do some DIY projects for the room. Add some pink, white, and gold elements to our art station so that we can buy some acrylic paint and paint brushes. I'm pretty sure I have all of this, but I don't know where I've kept it. Between the amount of house shiftings I've done, I've pretty much lost everything. So we're gonna buy new paint after so long. I'm gonna paint. I'm very happy and excited. What is hookers green? I need a hookers green in my room. How much is this? 150. But then we don't need itna bada wala na. Permanent rose is a little red. We'll take a crimson and an antique gold. I wish mein purple use hote. Pink aapko telephone pink. To fir bada wala le. हाँ काफी चीजें करनी है। दिस इज वेरी रानी पिंक टाइप्स, आई वांट लाइक अ लिटिल क्लासी फॉर द टेलीफोन, तो फॉर श्योर आई वांट अ क्लासी। जो टेलीफोन अपने पास है ना बेबी पिंक वाला, वो चाहिए। व्हाइट सिल्वर और अच्छा सिल्वर। यू गाइस इज हैरी, अभी सब रख रहे हैं, बोल रहे हैरी वाला सब इज ईदर फॉलोइंग अस और वी आर फॉलोइंग इट, यस इट्स अ साइन, मेजर करके आना चाहिए था अपने को, कितना चाहिए, इतना ही है नहीं बड़ा चाहिए मेरे को, एक्चुअली एसी का यूनिट छुपाने चाहिए, तो मेरा इतना यूनिट होगा
From there up till here, I want. A little longer actually, from here to here. Yeah, exactly this much. Just the compressor नहीं, थोड़ा ऊपर से लेंगे ना तो वो fall मिलेगा अपने को. They have so many things in art station, you know. Should be a small shop behind my school. What I was thinking, we'll keep the background of the canvas white only, na? Because otherwise it'll clash too much with the pinks. The font we'll paint pink. Hmm. Or we'll do like an outline of pink and under white. बड़े ही ले ले, दोनों भी क्रिमजन ले और एक रेड मार्कर ले. इट्स ऑलमोस्ट रेड. पिंकिश चाहिए अपने को, पिंकिश. ब्रश कौन सा लू? दीज ब्रशेज आर सो सॉफ्ट साक्षी. So soft. तो ये एक ब्रश बहुत महंगा पड़ेगा लेने से, क्या पैकेट 950 too much. He'll paint. धीरे धीरे धीरे. I have a lot of flat brushes actually. We'll find my brushes. I think mil jayenge. Crimson is too this. Let's take a rose and then mix a white. Take a big fat white only. Later. Finally, you guys, the curtains are coming out and we are replacing them with these. So pretty. The combination looks so nice. Finally, these curtains are going. I'm so happy. Look at them and then look at this. It's gonna get with new curtains. Yes, let them go. Slide them away. Like all the negativity in your life. Fudgy new curtain. Now, doesn't this look like a Barbie room? Damn, these look so good. Look at the quality of that. Itni achhi quality ke curtains hai. I was not investing because idhar content nahi banta. They are not thick. So, but it will black out from the this because it's velvet. So supreme, so luxe. कितना बड़ा अपग्रेड मिल गया ना बेटा. प्लीज इग्नोर माई पफी फेस. लॉर्ड ऑफ कोल्ड माई नोज इज ब्लॉक्ड. आई कांट इवन हियर माई सेल्फ राइट नाउ. Curtains. This is like the biggest accomplishment. I don't know why I was being so stingy and not changing. Those curtains were so filthy. They were horrible. Like literally, उसको धोलने के बाद वो ऐसे पतले कपड़े हो गए थे. And this is the most important room to have good curtains because I change over here and I need opaque curtains and just good quality curtains. मैंने पूरे घर के curtains लगाए. बस इधर यही room में मैंने इतना stinginess किया था. Finally, I've invested in good curtains and I'm so happy. This is feeling better than I felt when I bought my Dior bag. I'm not even going to lie. ये by the way IKEA से मेरे पास पड़े थे तो मैंने उनको दे दिए और उन्होंने ये लगा के दे दिया मुझे क्योंकि IKEA doesn't give you something that's friendly in Indian households. The next morning, I have all these decor pieces lying around the house which are white and pink. So we're gonna use them in our pink room. Keep them here. What we remove? Harry Potter. सब हटाना पड़ेगा ना हैरी पॉटर बुक्स. एस्थेटिक ही थोड़े बात चल रही है यहाँ पे. पिंक और व्हाइट में तो जॉर्डन्स को भी जाना पड़ेगा. फर्स्ट वी गॉट अ डीक्लटर हियर एंड सी व्हाट वी वांट टू कीप. दिस इज एन ओड टू माय ओल्ड पिंक वॉल एंड वी गॉट दिस क्यूट डोनट वेस्ट फ्रॉम नायका. केवल तुम लोग 1000 रुपए का पेंट लेके आयो एक डब्बी तो वो देगा थोड़ा ज्यादा तुम लोग को कैंसिल. And it should free fall. I don't want the dent to come to show ke idhar actually kuch hua karta tha. Samjha. So you want to put it like a wall hanging. हाँ सो आई थिंक दिस इज फाइन. जो बच्चा अपन नेक्स्ट घर में यूज कर सकते कोई और चीज छुपाने. तो मेरा का टॉप नहीं छुपना चाहिए था. exactly हाँ रुक मैं पेंसिल लाई. और राइट साइड पे भी मार्क करो पर्दे के उस तक ही ना एकदम पर्दे से चिपक के नहीं चाहिए. परफेक्ट. तो वो गोलमाल का सीन पता है देखो उसको चादर नहीं मिलती इसलिए वो रूमाल ओढ़ के सोता था. 20 minutes later.
टाइम टू पेंट दिस ओल्ड पुराना चोर बाजार वाला टेलीफोन पिंक इन कलर. फिर ये क्रॉफर्ड मार्केट से खरीदा था पर्पल कलर का, तो मोस्टली गोना पेंट दिस ऑल्सो लाइक अ डिफरेंट शेड ऑफ पिंक. हम अलग अलग टोन्स पे खेलेंगे, लाइक इसको लाइट पिंक, मे बी इसको डार्क पिंक, और उसको साक्षी व्हाइट पेंट कर रही है. पैक हैड सेंड मी दिस बॉक्स फॉर पीआर, सो वी आर रिपर्पजिंग अ लॉट ऑफ. इट्स पर्ली व्हाइट. ओप्स, इट्स फाइन नाउ, यूज इट. व्हाट एल्स? फुल पर्ल व्हाइट है. अच्छा, पर्ल मतलब चमकी होता है. पेंट का बड़ा लफड़ा है जो हमने खरीदा. देयर इज अ लाइटर शेड ऑफ पिंक. You out of my reach, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love. Yeah, Saka Payal came and broke our bubble. No, 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 fudge has come also too. अभी उस पर पेंट लग जाएगा कहीं ना कहीं. और ये तो पकड़ ही नहीं रहा है कलर. दिस फेविक्रिल एंड अक्रेलिक इज नॉट कैचिंग ऑन दिस प्लास्टिक टेलीफोन, सो दिस इज कैंसिल. क्लोजिंग ऑल ऑफ दिस एंड कीपिंग दिस प्लास्टिक आइटम्स एज इट इज. लेट्स वर्क ऑन द कैनवस, बिकॉज कैनवस पे ये चढ़ेगा. ये जो 1000 रुपए के पेंट खरीदे दो दो बॉटल, वो काम आएंगे. क्या फायदा हुआ, न्यूज पेपर छोड़ के सब जगह पेंट लगा. इससे देखो कितना कलर निकाला है. थोड़ा करके तो देखो चढ़ रहा है कि नहीं. मेरा बेटर, मुझे 3 बार ये बेटर मिटाई हो गई. बट उसका टोन तो बना. बेन व्हाइट खत्म नहीं कर देना तुम लोग फिर जब तक मेरा ये स्केच का पता चला मेरा पेंट लगा. A few moments later. Saha is being very generous with the paint, I must say. पूरा 1000 रुपए का पेंट यूज करेगा ये. इतना पीछे पड़े तुम लोग कर रहे हैं. हम लोग भी स्कूल के बाद अभी कर रहे हैं. देन अगली आना जी, बेटर लेट देन अगली. तुम्हारा साइड है भाई, मेरा साइड है. दिस इज योर साइड, दिस इज माय साइड. आई एम ट्राइंग टू ऐड हाइलाइट्स सो द वर्ड्स आर लिफ्टेड. आई एम एंजॉयिंग सो मच इतने बार एंड डूइंग दिस. I can't believe how beautifully this has turned out. इतने लोगों ने मुझे doubt किया जब मैं बोली कि मैं अपना bedroom Barbie transform करने वाली हूँ, क्योंकि everybody was like, are you a kid? Are you a kid? This is not really your vibe. But now that I look at the bedroom, it is so my vibe. जैसे-जैसे it was coming together only, it was giving me this beautiful cozy vibe. And now that the entire thing has come together, it honestly just screams like divine feminine energy. It's looking like a girl's bedroom and it actually looks like my bedroom. That's what's most important to me. Because jab se main ye ghar mein rehne lagi hu, because maine bedroom mein kuch kaam nahi kiya tha, I used to just feel like I'm sleeping in my office. वैसे भाड़े के घर का vibe आ रहा था और मेरी कुछ ऐसी energy नहीं लग रही थी ये bedroom में. It was just a haywire experience. So finally now that everything is how I like it to be, I'm absolutely loving it. तो ये छोटा वाला bedroom है हमारा. बड़ा वाला bedroom तो हमने studio room बनाया है. तो एकदम square bedroom है
में और जितनी भी जगह है हमने पूरी ऑप्टिमाइज कर ली है. घर के काम में अगर उंगली डालो ना गाइस तो पूरा हाथ डालना पड़ता है. एंड दैट्स व्हाई आई मेड श्योर दैट वी आर डूइंग द एंटायर बेडरूम ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस वीक. वी कंप्लीटेड इट इन अ वीक्स टाइम एंड ऑल्सो अंडर अ बजट. तो अगर आप रेंट के घर में रह रहे हो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ टिप्स फ्रॉम दिस. ये बेड तो मेरा पुराना वाला ही है और हमने हेडबोर्ड इधर रखा है बिकॉज किबला इस ओर है तो मैं पैर इस साइड करके सोती हूँ. इट्स एन ओल्ड एंड वेरी ड्यूरेबल बेड. इट्स होम मेड फर्नीचर. इट्स अ गिफ्ट एक्चुअली फ्रॉम माई प्रीवियस लैंडलॉर्ड. विल ऑलवेज बी स्पेशल टू मी. और फिर ये तकिए के कवर्स एंड शीट्स आर फ्रॉम आइकिया. आइकिया हैज सम रियली गुड बेड शीट्स. ऑल्सो वेरी इनएक्सपेंसिव. 700 रुपए के कुछ बेड शीट्स है और 200 रुपए के कवर्स है और बहुत ही कंफर्टेबल है. मेरे घर में सिर्फ आइकिया की बेड शीट्स होती है. देन आई गॉट दिस रियली प्रिटी कंफर्टर जो पेस्टल पिंक और ग्रे कलर इज अ डुओ टोन है. फज इज इन अ वेरी प्लेफुल मूड राइट नाउ. बेचारे उस पर भी पेंट लग गया है व्हाइल वी वर डूइंग आवर डीआईवाई. सो नाउ ही इज आल्सो बारबी कोर इन कलर. बट या व्हाटएवर आई एम फीलिंग. इफ आई एम फीलिंग अ लिटिल ग्लूमी आई विल गो फॉर द ग्रे. इफ आई एम फीलिंग ब्राइट एंड सनी आई विल गो फॉर द पिंक. नो ये कंफर्टर एक्चुअली बहुत वार्म है. इट्स नॉट समथिंग दैट मेक्स यू फील कोल्ड. सो मुझे अभी सर्दी और बुखार है तो इट्स समथिंग आई एम लविंग. एंड इट्स फ्रॉम द ब्रांड ट्राइडेंट. मैंने नायका फैशन पे खरीदा है. इट्स फॉर 1700 रुपीज. तो अगेन बहुत सस्ता है बिकॉज आइकिया के कम्फर्टर्स 2000+ के होते हैं. तो ये 1700 का है. इट्स अ गुड क्वालिटी वन. देन वी गॉट दिस साइड टेबल कबर्ड थिंग जो मैंने आइकिया से बहुत पहले लिया था. एंड दिस लैम्प दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट एंड रियली रियली गुड लैम्प्स. आई हैव दिस फ्रॉम ओवर 2 years नाउ एंड इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग. 500 रुपये का लैम्प है. बहुत अच्छा. The divine feminine energy is coming from this rose quartz crystal, which I love the energy that crystals give. I believe that they replenish your energy, especially while I'm sleeping. It sort of just recharges me in a way. Then I've got this mirror, jo mere purane ghar se hai. I love how beautifully this has just gone in the Barbie aesthetic. Ekdam vintage vibe deta hai. Aur maine sochi thi ki isko paint karenge, but it's just going so well because everything is pink. So this white sort of breaks the monotony. I also have this really nice व्हाइट फरी सॉफ्ट रग. तो जैसे ही मैं बेड से उतरू मेरे पैर से मुलायम से रग पे पड़े. ये भी आइकिया से है. फाइनली अबव दिस मिरर आई यूज टू हैव दिस एसी विंडो एसी विच हैज बीन कवर्ड बाय माय ब्यूटिफुल आर्टवर्क दैट सेज बेटर लेट than ugly. Peak Sara behavior. This is literally what I do. I just justify that I need to look good, so I'm going to take my own sweet time to get ready. The only reason I put my AC over here is one, because I had a AC better than the AC that was already over here. Plus, window AC आवाज करता है, मुझे आवाज में नींद नहीं आती, तो मैं window AC नहीं use करके अपना split AC use करती हूँ. ये दो AC was not the vibe, so we got it covered with my beautiful artwork. And I mean, y'all can commission me for paintings. I'm taking orders. You can email on the address below. I already spoke about how happy I am with these curtains. Beautiful quality. Love the hot pink color. Love the breakthrough with the white net happening. Just my curtains are my best purchase. Bedroom mein achhe curtains so chahiye to just block the light and also while I'm changing. The best 4,000 rupees I've ever spent in my life. Also, finally, my bag babies have got their own sweet space. Mere ghar mein har cheez ke liye jagah hai. Perfumes ka ek corner hai. Beauty products ke itne sare corners hai. The one thing that was just getting shoved in my wardrobe were my bags. And ever since I've now started shopping for really expensive bags, shoving them was making my heart hurt. So finally, we've got this glass cabinet. It cost me around 6,900 from IKEA. It's a little bit of an investment. Yeah, actually crockery ka cabinet hai, but it displays your bags so beautifully. Actually, sabse sasta unka yehi cabinet tha in the glass variant. We've put a candle upar, then this arch that holds my TV. Perfect for my Netflix time. You know I'm not a big TV watcher. खरीद तो लिया, इतना दिखती नहीं हुआ. Literally I have to force myself to watch TV. TV के पीछे हमने neon pink light लगा दी है, उससे Barbie aesthetic और भी strong हो गया. Like that ऊपर जो ये bulb था, गंदा सा bulb था, this bulb has now finally been replaced by this beautiful and gorgeous diffused light. I love this light. It's only for 600 rupees with the bulb. So just this entire unit is 600 rupees and you can use it as a ceiling light or a wall light. मैंने वॉल पे रखा है
बिकॉज मेरी जो सीलिंग लाइट्स है वो अच्छी क्वालिटी की है और ये व्हाइट लाइट है. मैं व्हाइट लाइट मोस्टली बेडरूम में लगाती नहीं, मुझे व्हाइट लाइट पसंद ही नहीं इन जनरल. तो आई हैव जस्ट लेट इट बी. वार्डरोब और ये शेल्फ तो घर के साथ ही मिले थे मुझे, तो नथिंग हैज बीन चेंज्ड इन दैट. लाइक फर्नीचर वाइज वार्डरोब हैज ऑल माई स्टफ, लॉफ्ट भी है और शेल्विंग को अभी हमने एकदम अच्छे से ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज कर दिया है. सो आई गॉट ऑल माई बुक्स ओवर हियर बिकॉज दिस बारबी लाइक्स हैरी पॉटर, सो शी इज गोना कीप इट. नेक्स्ट रूम हम हैरी पॉटर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वही सोचे थे इतना हैरी पॉटर का सामान है. नेक्स्ट हाउस, नेक्स्ट बेडरूम. देन वी हैव गॉट माय परफ्यूम कलेक्शन दैट आई हैव मूव्ड ओवर हियर. वी हैव जस्ट सिस्टमैटाइज्ड दिस अ लिटिल बिट. अ लॉट ऑफ ट्रैवल ओवर हियर, जो अभी हम ट्रैवल विद सर के फोमो में जी रहे हैं. आई हैव गॉट माय पेरिस ब्रूज एंड पेरिस के थोड़े मर्चेंडाइजेस, गॉट माय डियोर सनग्लास केस, अ वेज ओवर हियर, दिस इज फ्रॉम क्राफ्ट ट्राइबल. और फिर आई हैव गॉट माय पिंक बॉक्सिंग ग्लव्स बिकॉज दिस बारबी ऑल्सो लाइक्स किक बॉक्सिंग, सो गॉट दैट. और फिर मेरे पुराने पिंक स्टूडियो रूम से क्यूट सी फोटो है, सो दिस इज एन ओड टू दैट विद द एस नियॉन लाइट. और फिर नीचे मैंने अपने जॉर्डन्स और कोच की चप्पल के ऐसे बस बॉक्सेस रख दिए. और फिर लास्ट खन एकदम फंक्शनल है, तो उसमें जो मेरे जिम बैग और टोट बैग वगैरह है वो सब है. आई ऑल्सो हैव गॉट माई मदर मैरी एंड जीसस राइट एट द टॉप ओवर हियर. फाइनली एक चीज जिसके लिए मैं बहुत टाइम से रुकी थी, टू हैव अ गुड साइड टेबल इन माई रूम. आई हैड माई आई ऑन दिस आइकिया साइड टेबल फॉर अ वाइल नाउ एंड आई एम ग्लैड आई गॉट माई हैंड ऑन इट. ये वाला बहुत ही स्मूथ क्लोजर है एंड दिस इज रियली गुड क्वालिटी. इट्स गॉट टू रियली नाइस एंड डीप ड्रॉज एंड इट होल्ड्स ऑल ऑफ माई स्किन केयर. एवरीथिंग इज ओवर फ्रॉम माई एक्स ऑयल टू माई विक्स टू एवरीथिंग. साइड टेबल बहुत यूजफुल होता है यार, मेरे पास पहले नहीं था. मैंने वो कबर्ड भी ऐसी यूज कर ली थी और मेरी सारी चीजें ना मैं इधर ऊपर रखती थी, सो नाउ आई कैन जस्ट शव थिंग्स इनसाइड द ड्रॉअर एंड दे वोंट क्लटर ऑन टॉप बिकॉज इट लुक्स रियली मेसी एंड आई एम वेरी क्लीन फ्रीक लाइक दैट. देन आई हैव गॉट दिस हार्ट शेप्ड क्यूट thing that I don't remember ki kisne mujhe diya tha, but I have it and it holds all my lip balm. This Barbie also loves Vaseline, so she's got two of them. Then we've got the Thousand Wishes candle, which is pink, so it's going with the aesthetic. And this cute donut vase jo maine 200 rupees ka Nykaa fashion se kharida hai. Aur fir isme humne cute ye white wale phool dal rakhe hai. Ye Barbie ko thoda aesthetic karne ke liye humne gold aur rose gold fixtures lagaye hai. So the wall clock is old only, but it has a rose gold finish to it and the light on top also has a gold finish to it. Wo wali thodi mehengi hai IKEA se, but still I think it's very worth it. Very luxury looking light, and that completes my Barbie core bedroom tour. Finally, the one and only room जिसका कब से मुहूर्त नहीं आ रहा था ट्रांसफॉर्म होने का, वो भी हो गया. कॉमेंट करके मुझे बताओ आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा एंड हैव यू हैड योर ओवरडोज ऑफ बारबी बिकॉज यू कांट रियली स्टॉप लविंग इट नाउ बिकॉज यू आर गोना कीप सीइंग माय बेडरूम इन ऑल माय हसल विद सार एपिसोड्स. फॉर दिस वीडियो सारस्कोच और गोज टू मीठी वन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल. इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ नेक्स्ट वीडियो सारस्कोच और यू नो व्हाट टू डू, हिट सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन राइट नेक्स्ट टू इट, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो सेइंग हैशटैग सारस्कोच squad and chance for my next video Sara squad shout out. I'll see you guys in another video. Bye guys, love you.